बॉस 13 अब अपने फिनाले के करीब है और इस टेढ़े सीजन के आखिरी हफ्तों में भी काफी टेढ़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। शो की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स अब एक और बड़ा ट्विस्ट ला रहे हैं। दरअसल अब बचे हुए कंटेस्टेंट्स के फैमिली और फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए घर में रहने आएंगे। मेकर्स ने रिसेंटली एक प्रोमो शेयर किया जिसमें दिखाया है कि मास्टरमाइंड विकास गुप्ता सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने एक बार फिर बिग बॉस हाउस में आ रहे हैं। इसके अलावा आरती सिंह की भाभी कश्मीरा शाह, शहनाज गिल के भाई शहबाज, असीम रियाज के लिए एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना शो में एंट्री करेंगी। वहीं माहिरा को सपोर्ट करने उनके भाई आकाश शर्मा आएंगे तो विशाल को सपोर्ट करने भी उनके छोटे भाई कुणाल सिंह जल्द ही आपको बिग बॉस के घर में नजर आएंगे। रश्मि का साथ देने आएंगी उनकी दोस्त और एक्स कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्जी। और अगर आप सोच रहे हैं कि पारस की तरफ से कौन आएगा तो आपको बता दें कि कल ही इविक्ट हुई शेफाली जरीवाला पारस को सपोर्ट करने घर में आ रही है। वैसे आपको अंदर की बात बता दें कि मेकर्स ने तो पूरी कोशिश की थी पारस की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पूरी को मनाने की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो शेफाली अब उनकी जगह पारस को सपोर्ट करने बिग बॉस के घर में जाएंगी। आपको बता दें कि ये सभी गेस्ट बिग बॉस हाउस में 5 दिनों के लिए रहेंगे। ये सभी आज यानी 27 जनवरी को घर में एंटर करेंगे और 31 जनवरी तक शो का हिस्सा बनेंगे। फैमिली वीक में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट फैंस को हिमांशी खुराना की एंट्री पर है। ऐसा माना जा रहा है कि शो में आकर हिमांशी असीम के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर सकती हैं और ये हिमांशी फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। खबरों की माने तो मेकर्स फरवरी के पहले वीक में मॉल टास्क भी प्लान कर रहे हैं जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हर साल बिग बॉस के आखिरी बचे कुछ कंटेस्टेंट्स को पब्लिक के बीच एक मॉल में ले जाया जाता है जहां उनसे मिलने हजारों की तादाद में फैंस पहुंचते हैं। इन कंटेस्टेंट्स को एक केज में लॉक कर मॉल के बीचों बीच रखा जाता है जहाँ से वो अपने लिए वोट की अपील करते हैं। फिलहाल फैंस ये देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि घर में नए लोगों की एंट्री से शो में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ABP News आपको रखे आगे।